सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सैनिटरी पैड पर 12% जीएसटी स्वीकार है। मेनका ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह 18% से कम हो गया है। इस समय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी 12% जीएसटी लगेगा, नहीं तो पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। इससे स्वदेशी पैड खत्म हो जाएंगे। इससे पहले गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर पर्यावरण के लिए अनुकूल और स्वयं नष्ट होने वाले सैनिटरी पैड को 100% कर मुक्त करने का आग्रह किया था। आपको बता दूं, मेनका गांधी ने कहा कि मंत्रालय पहली बार सैनिटरी पैड को अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है और स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी पैड बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जैसे गूंज संस्था जीएसटी से मुक्त 20 लाख रुपए से कम की राशि से सैनिटरी पैड बना रही है। उन्होंने कहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ लाने की अपेक्षा अगर हम ऋण तंत्र की नीति पर निर्णय लेते हैं तो हमारे पास कई स्वयं सहायता समूह हैं जो पैड बनाकर स्थानीय स्तर पर फैला सकते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।